नमस्कार दोस्तों, अपने श्रीवास्तव दोबारा आया हूँ आपके सामने स्कैप मोडी सेंटर के माध्यम से। ठीक है, मेरा इंटरव्यू दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। बच्चों, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट, एक लड़की है मेघना, उसका जयपुर से उसका क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन है, ये मेघना क्वेश्चन आया था, ये राजकोट में एक मधुबन नाम का एक बच्चा है जो इंटरमीडिएट का है और तैयारी कर रहा है नीट की, तो उससे आया था ये क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन ही मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ही मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। और तो बैक टू द फ्रेम आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो मुझे मिले हैं मेरे कॉन्टैक्ट मेल आईडी पर, आप भी भेज सकते हैं एनीवेयर एनी टाइम। मैं इसको जल्दी जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जितनी जल्दी जल्दी वो रिजॉल्व हो जाए और आप जो है उसका सॉल्यूशन पा पाए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का जो समय होता है बच्चे के जीवन में, उस समय जो होता है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है और हम नहीं चाहते किसी का समय वेस्ट हो। ठीक है, तो मुद्दे की बात यहाँ ये है कि इस कॉन्टैक्ट पे आया था आप, इन्होंने तो बहुत से बच्चों को ये कॉन्टैक्ट पे भेजते हैं, मेल आई डी पे भेजते हैं, मतलब कुछ बच्चे अभी तक फोन ऐसा नहीं आया है कि फोन से मतलब बच्चा सवाल पूछे, कि दिक्कत है कि उसको डॉक्यूमेंटेड वे में देता है। ये मेरा ये नंबर है, जिस नंबर इज अवर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप भी डॉक्यूमेंटेशन भेज सकते हैं। मैंने इससे पहले शायद डिक्लेयर नहीं किया था ये चीज, से इस पर नहीं आए हैं कोई भी ऐसा कमेंट या ऐसा मतलब, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे डॉक्यूमेंटेशन या जो आपकी प्रॉब्लम है उसकी फोटो खींच के आप मुझे भेजिए अकाउंटी लेवल की, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और उसको सॉल्व करके आपको विद इन जैसे ज्यादा ज्यादा जल्दी हो सके मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, तो मुझे इस मेल आईडी पर जो है ये क्वेश्चन आए थे, ये एक जयपुर की लड़की का क्वेश्चन है मेघना और एक राजकोट की लड़की का क्वेश्चन है, राजकोट की लड़का है मधुबन, उसने क्वेश्चन भेजा था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m व्हिच एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल वेलोसिटी x डॉट x नॉट डॉट, वेलोसिटी है ठीक है इसलिए x नॉट डॉट, एंड इज सब्सिक्वेंटली एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटी स्टिमेट द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम। ऑप्शंस गिवन है उस क्वेश्चन के, जो ऑप्शंस गिवन थे वो ये हैं। ठीक है, चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन, मतलब कहने का मतलब है अब हम इसको थोड़ा सा मॉडल करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को समझना बेसिस। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं किसी वेलोसिटी v नॉट से, ठीक है ये v नॉट क्या है, यही v नॉट है आपका x डॉट नॉट। ठीक है, दैट इज x डॉट नॉट, इस वेलोसिटी से एक पार्टिकल फेंका गया, बहुत सिंपल जैसा कि आपने बहुत सारे ऐसे देखा होगा, इस तरह से कुछ फॉल करेगा। ठीक है, पार्टिकल किसी इंस्टेंट टाइम टी पर एट एनी टाइम टी, किसी इंस्टेंट टाइम टी पर उसकी क्या पता लगाना है, पोजीशन और वेलोसिटी पता लगानी, मतलब हमें कहने का मतलब है पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में एक आपका मतलब पोजीशन और रिलेशन होना चाहिए, दिस इज द पोजीशन ठीक है और वेलोसिटी ये x डॉट नॉट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन को शुरू करेगा, तो देखने में प्रॉब्लम बहुत इजी लग रही है, लग रहा है कि ये तो बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम है, हमने पढ़ी हो सकती है अपने स्टडी के समय, लेकिन ये बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन को शायद ना कर पाए हो या करना भूल गए हो छोटा समझ के, तो इसको देखते हैं वेलोसिटी से फेंका गया। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं दैट इज dx that is dy, हमने इस डायरेक्शन में क्यों माना है, क्योंकि जब पार्टिकल गिरेगा ऑब्वियस सी बात है उसकी फोर्स रिटार्डिंग हो रहा है, रिटार्डिंग होने का मतलब कहीं ना कहीं उसमें सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा होगा और सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है टुवर्ड्स द ओरिजिन लगता है। ठीक है, इसे dx इस तरह dy, ठीक है हर वो मोशन जो इस पार्टिकल को की वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी ज्यादा आ जाती या वेलोसिटी बढ़ रही होती तो ये मोशन ऐसे ना होता, ये मोशन और इलोंगेशन मतलब टुवर्ड्स दिस एंड जाता। ठीक है, लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता, नेचर क्या होता है पार्टिकल ऐसे ही फॉल करता, तो कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, तो कुछ इस तरह से रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आप करेंगे, वेयर डीएक्स एंड डीवाई आर द फोर्सेस हैं जो इस पे लग रहे हैं।
चलिए मॉडल करते हैं, dx हो गया, क्या हो गया भाई, व्हाट इज dx, m इज द मास ऑफ पार्टिकल, x डबल डॉट, f इज इक्वल टू ma, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस dx, माइनस dx क्यों, ये हम जानते हैं हमारी पॉजिटिव x एक्सिस क्या होती है, ये होती है x और y, ये क्योंकि चूंकि सिलिंड्रिकल के फोर्स के इसकी रिटार्डेशन या डैम्पिंग हो रही है इसमें, इसी वजह से रिटार्डिंग फोर्स है, इसलिए माइनस डीएस किया है, ठीक है, तो फर्स्ट इज दिस, एंड डीवाई क्या होगा, व्हाट इज डीवाई, डीवाई तो पॉजिटिव है, तो क्या होगा, व्हाट इज डीवाई, डीवाई माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट, बताइए ठीक है, ये दो इक्वेशंस अभी हमारे पास हैं, ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये माइनस डी एस दिया गया, डीवाई माइनस एम जी इसकस टू एम वाई डबल डॉट, मतलब आप क्या कर रहे हो, बेसिक एफ इसकस टू एम ए ही हम लगा रहे हैं, ठीक है, बाई दिस फॉर्मूला, सिंस दिस, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इक्वेशन तो आ गई, वेरी गुड, आगे हम इस इक्वेशन को यहां तक कैसे पहुंचाएंगे, तो देखिए बहुत बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें क्या करना पड़ेगा, रियलिस्टिक कंडीशन पे हम जब आएंगे तो एट एनी इंस्टेंट टाइम टी टी ऑन गिवन एनवायरमेंटल कंडीशंस पार्टिकल जो है वो पार्टिकल इज अंडर बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है कि ऑब्वियस सी बात है dx इज इक्वल टू जीरो एंड dy इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इंपॉर्टेंट, dx इज इक्वल टू जीरो एंड dy इज इक्वल टू जीरो, जब करेंगे इसको हम लगाया हम दिस इक्वेशन वन एंड दैट इज इक्वेशन, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, dx इज इक्वल टू बैलेंस कंडीशन पे, किसी पार्टिकल पे नेचर पे हर पार्टिकल बैलेंस है क्योंकि ब्रोक नहीं कर रहा है, अपने आप में टूट नहीं रहा है, ये पार्टिकल ये जो पार्टिकल ये दो भाग में टूट नहीं रहा, इसका मतलब इस पर जो फोर्सेस होंगे इस पार्टिकल पर वो फोर्सेस क्या होंगे, फोर्सेस होंगे बैलेंस्ड फोर्सेस, अगर बैलेंस फोर्स नहीं होता कोई एक फोर्स ज्यादा होता हो सकता है कि इस स्ट्रेस से पार्टिकल टूट जाता, लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है, पार्टिकल इंटैक्ट है, इसका मतलब dx = 0 एंड dy = 0 कैन बी डन, ठीक है, अब dx = 0 dy = 0 जब करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी भाई, पहले में तो बन जाएगी x डबल डॉट = 0, ठीक, नेक्स्ट क्या बनेगी, नेक्स्ट क्या बनेगी भाई, एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एम जी, ये बनेगी भाई, डीएस जीरो किया डीवाई जीरो किया तो क्या बने एम एम कट जाएगा, क्या होगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस जी, ये एक इक्वेशन बनी और ये इक्वेशन बनी, क्लियर है, अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना है पोजिशन पे जाना है, पोजिशन पे जाने के लिए हम वी नीड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग पहला इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x डॉट इज इक्वल टू c1, पहला कांस्टेंट, ठीक है, जहां कुछ नहीं होता वहां कांस्टेंट आता है, ठीक है, दूसरा होगा एंड y डॉट इज इक्वल टू क्या होगा That is g है जी टी प्लस सी, क्लियर है, अब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, किसी टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर x डॉट इज इक्वल टू क्या है x नॉट है और y डॉट क्या है जीरो, इनिशियल में वेलोसिटी क्या थी x, आपका क्या था x नॉट डॉट थी और वर्टिकल वेलोसिटी कोई थी नहीं, ठीक है, तो y नॉट डॉट क्या होगा जीरो हो जाएगा, इससे क्या आया हमारे पास, इससे हमें इसमें हम इक्वेशन पे रखेंगे तो क्या होगा एट t इज इक्वल टू जीरो तो क्या होगा c1 इज इक्वल टू क्या होगा x नॉट डॉट, ठीक है, एंड c2 क्या होगा माइनस gt, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी बनी, आ गया,
सी वन एक्स नॉट डॉट सी टू माइनस जी टी आया। सॉरी सी टू माइनस जी टी कैसे आएगा, क्योंकि आपका सी टू में y नॉट डॉट जीरो है और t भी जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगा फाइनली c2 जो है वो जीरो आ जाएगा, t भी तो जीरो है तो c2 जीरो आ जाएगा, c1 x नॉट होगा c2 जीरो आ जाएगा। इक्वेशन में रखा तो इक्वेशंस क्या बनी यहाँ वाली, x डॉट इज इक्वल टू क्या हो गया x नॉट और y डॉट इज इक्वल टू gt प्लस जीरो मतलब gt, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन निकल के ये है, ये y डॉट है, ठीक है। अभी क्या निकालना, पोजीशन पे निकालना, एस्टिमेट द पोजीशन, ये पोजीशन पे हम नहीं पहुंचे, पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्या होगा यहां से सॉरी ये दिस इज ये हमारी इक्वेशन है, सेकेंड टाइम इंटीग्रेट किया तो क्या होगा x इज इक्वल टू x डॉट का x आ गया x नॉट डॉट t प्लस c3, ठीक है। और यहां y डॉट क्या होगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा, y डॉट डॉट इंटीग्रेशन करेंगे तो y हो जाएगा, ये क्या बनेगा gt का इंटीग्रेशन dt, ठीक है, प्लस c4। इंटीग्रेशन करेंगे यहां पर तो क्या निकलेगा हाफ जी टी स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, दैट इज वाई। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम फिर सी थ्री और सी फोर दो कॉन्स्टेंट मिल गया, उसको हटाना पड़ेगा हमें, कैसे हटाएंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं एट टी इक्वल्स टू जीरो, जब टी जीरो होगा तो एक्स और वाई दोनों की पोजीशन भी जीरो होगी, ठीक है, एट टी इज प्लस टू जीरो एक्स इज प्लस टू जीरो एंड वाई आल्सो, क्योंकि हम मानते हैं टी इज प्लस टू जीरो पर पार्टिकल ओरिजिन पर था, ठीक है, इस ओरिजिन पे था तो एक्स नॉट वाई नॉट दोनों एक्स जीरो होंगे, एक्स और एक्स एंड वाई दोनों जीरो होंगे, तो एट टी इज प्लस टू जीरो एक्स वाई भी जीरो हो जाएगा। फिर कंडीशन इस पर लगा दिया जाए तो हमारी क्या है, पहले लगाएंगे एट एक्स इज प्लस टू जीरो जीरो इज प्लस टू ये क्वांटिटी जीरो आ जाएगी, टी भी जीरो है यहाँ पर, सी थ्री आ जाएगा, यहाँ पे t इसको जीरो होगा तो ये तो जीरो आई, ये भी जीरो हो जाएगा, तो c4 भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा हमारा x इज इक्वल टू x x नॉट डॉट t, ठीक है, और y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये निकला। अब ऑब्वियस सी बात है क्या करना है आपको, x और y और x नॉट डॉट में आपको पोजीशन निकालनी है, t को एलिमिनेट करना है, तो यहां से हम क्या करेंगे t की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगी x बाई एक्स नॉट डॉट x नॉट डॉट, ठीक है, तो यहां से t की वैल्यू निकल आएगी और t स्क्वायर यहां पे रख देंगे हम, तो क्या होगा y इज इक्वल टू हाफ g x बाई एक्स नॉट डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहां पर, कोई चीज छोटी हो y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई एक्स नॉट डॉट स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ठीक है, वो तो हम जानते हैं कि ऑब्वियस बात है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला होता है, पैराबोला तो बनेगी ऑब्वियस बात है, लेकिन उसकी इक्वेशन क्या होगी तो उसका आउटपुट इसमें से किसी से मिल रहा है, देखिए y इक्वल टू हाफ जी बाई एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इससे मिल रहा है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट पार्ट में अपने वीडियो में कवर करेंगे, वो आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।